देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर के सुपर कॉरिडोर से आ रही है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो एक टैंकर था वो ज्वलनशील पदार्थ लेके यहाँ से निकल रहा था और अचानक उसमें आग लगने के कारण ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और कोशिश करी जो उसके पास फायर ब्रिगेड के कुछ यंत्र थे आग बुझाने के उससे बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बहुत विकराल हो चुकी थी और उसके बाद जब वो वहाँ पे आग नहीं बुझा पाया, उसके बाद वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद जब सूचना दी गई फायर को तो फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ फिलहाल यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूद है और यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल पूरा यहाँ पे हो गया सुपर कॉरिडोर पर। एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है रोड का, दूसरी तरफ से ट्रैफिक सुचारू भी चालू है और यहाँ पे थाना एरोड्रम की पूरी टीम और जो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार जो टैंकर है उससे चिंगारियाँ उठ रही है और धुआं जो उठ रहा है बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है। यहाँ पे जो स्थिति अभी फ़िलहाल कंट्रोल में है, लेकिन लगातार ये जो आग बुझाने का काम है ये लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से जारी है।